अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम आपके साथ बेसिक ऑफ कंप्यूटर के एमसीक्यू शेयर करेंगे जो मोस्टली पीपीएससी, एफआईए और दीगर पेपर्स के अंदर रिपीटेडली पूछे जा चुके हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका जो बेसिक नॉलेज है अबाउट रिलेटेड टू कंप्यूटर एमसीक्यू आप उसे ईजीली सॉल्व कर सकेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हु हैज़ बीन गिवन द टाइटल ऑफ अ फादर ऑफ अ कंप्यूटर। फादर ऑफ अ कंप्यूटर किसे कहा जाता है या सबसे पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो फर्स्ट कंप्यूटर वाज मेड बाय चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाने का आजाद हासिल है एंड ही इज़ आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ अ कंप्यूटर। बिल गेट्स किसे कहते हैं, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट बनाया था। स्टीव जॉब्स एंड जॉन नोमिन, ये फर्दर हैं, इसको हम आगे बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट किसका पार्ट होता है? AU प्लस LU, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ CPU। तो ये बेसिक कंपोनेंट होते हैं जो कंप्यूटर को रन करने में हेल्प आउट करते हैं, वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? CPU के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द मेन पर्पज़ ऑफ अ कंप्यूटर इज़। तो बेसिक पर्पज़ क्या है कंप्यूटर का? कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, जी ये भी काम करता है। गिव अस अ यूज़फुल इंफॉर्मेशन, ये भी कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज आर डन बाय कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हु गेव द आइडिया दैट अ प्रोग्राम कैन बी स्टोर इन इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। तो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी के अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है, ये आइडिया किसने दिया था? जॉन बी न्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द फिज़िकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर डैट वी कैन सी आर कार्ड। कंप्यूटर के वो पार्ट जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड हार्डवेयर, जिसे क्या कहा जाता है? टेंजिबल। और जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, दिस इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क इज़ नाउन एज आ। तो जो इंस्ट्रक्शन हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंदर कोई भी लाइक सेलफोन यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो किसके थ्रू दी जाती है? फिजिकल कंपोनेंट भी नहीं होगा, हार्डवेयर भी नहीं हो सकता, तो दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर ही सारा डाटा स्टोर होता है जो किसी भी चीज़ को रन कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट विदाउट। मतलब जो कंप्यूटर है वो किसके बगैर स्टार्ट नहीं हो सकता, दोबारा रीस्टार्ट नहीं हो सकता या वर्क नहीं कर सकता। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं हो सकता, MS ऑफिस भी ये नहीं हो सकता, कीबोर्ड ये इनपुट डिवाइस है, तो इसका क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कोई भी सॉफ्टवेयर किसी भी चीज़ को रन करने के लिए, बूट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए ज़रूरत होती है? उसकी किसी भी एप्लीकेशन वगैरह को रन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, चूज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS ऑफिस भी नहीं है, नीड फॉर स्पीड ये गेम का नाम था, अडोब इलस्ट्रेटर, तो इसमें क्या आ जाएगा? MS विंडो। जो विंडो है ये क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। तो इसमें मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर क्या होगी? रोम क्या है हमारे पास? रीड ओनली मेमोरी। और रैम क्या हमारे पास? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारे पास क्या आ जाएगी? इस कंप्यूटर की मेन मेमोरी होगी। चूज़ द फुल फॉर्म ऑफ अ रैम। रैम का क्या मतलब है? अभी अभी रिसेंटली बात किया जी, तो ये हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है हमारे पास, लैन स्टैंड फॉर। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, तो इसका 1 हो जाएगा। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, चूज़ द फुल फॉर्म ऑफ WW फॉर्म गिवन ऑप्शन। तो WW का क्या मतलब है? वर्ल्ड वाइड वेब, तो क्या आ जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन A। चूज़ द फुल फॉर्म ऑफ ALU। ALU हमने रिसेंटली पढ़ा है, ये CPU के अंदर मौजूद होता है। ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, AU और LU इन्हें भी पढ़ा जाता है। नेक्स्ट 14 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर विच प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड विद इट। तो इसे क्या कहा जाता है? ये सर्वर कहा जाता है। मोस्टली आपने देखा होगा जब भी आप कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हैं या किसी कंपनी का कोई चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं तो वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं करी होती, तो जब भी आप उन्हें कॉल करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि मोस्टली हमारा सर्वर डाउन जा रहा है। तो सर्वर क्या होता है? वो बेसिक मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर होता है जो आगे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। 15 है हमारे पास, Which application software is used to access web pages and website on the internet? तो जब भी हमने इंटरनेट के ऊपर कोई वेब पेजेस, वेबसाइट वगैरह सर्च करना होती है तो उसमें क्या आ जाएगा, हमारे पास ब्राउज़र आ जाएगा। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए होता है, ये डाटा स्टोर करने के लिए इंजन, ये तो इसमें बेसिक करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, अनऑथोराइज एक्सेस ऑफ अदर यूज़र डाटा इज़ नाउन एज। जब भी हम किसी चीज़ का, दूसरे का डाटा को अनऑथोराइज वे में, मतलब इलीगली चुराने की कोशिश करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, हैकिंग कहा जाता है कंप्यूटर की ज़ुबान में। 17 है हमारे पास, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ विच कंपनी। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया था, ये बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट है हमारे पास, चूज़ द इनपुट डिवाइस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर जिसे हम इनपुट करते हैं और वहाँ से इंस्ट्रक्शन दी जाती है, वो क्या हमारे पास, माउस हमारे पास इनपुट डिवाइस है, डिजिटल कैमरा हमारे पास इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, ये सारी, तो इसका आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट कंटेन एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, जो हमें कंप्यूटर के बाहर कोई डाटा प्रोवाइड करते हैं, लाइक प्रिंटर, प्लॉटर, एलसीडी, ये हमारे आउटपुट डिवाइस। तो ये सीपीयू क्या है, इनपुट डिवाइस है, तो सीपीयू यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट 20 है हमारे पास, इन कंप्यूटर मेमोरी यूनिट 1 निबल इज़ इक्वल टू। 1 निबल किसके इक्वल होता है, केबी के, ठीक है। इसमें 8 बाइट होती हैं, ये बाइट के इक्वल होगा आई थिंक सो। नेक्स्ट है हमारे पास 21, चूज़ अ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू ओपन एंड सेंड ईमेल। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ईमेल सेंड वगैरह करने के लिए यूज़ होता है, तो ये है हमारे पास ब्राउज़र। चूज़ द मॉडर्न फाइल सिस्टम यूज इन एमएस विंडो। तो एमएस विंडो के अंदर हमारे पास कौन सा यूज़ होता है, एनटीएफएस। नेक्स्ट है हमारे पास, चूज़ अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से हमारे पास कौन सी है, हार्ड डिस्क, यूएसबी, सीडी, डीवीडी, तो ये सारी क्या हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, चूज़ द वोलेटाइल एंड टेम्परेरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। रैम जो है ये टेम्परेरी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये टेम्परेरी तौर के ऊपर कंप्यूटर में स्टोर होती है और जैसे ही कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है तो सारा डाटा क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर द सीपीयू सीक फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्राम द डैश मेमोरी ऑफ द सिस्टम। तो ये सबसे पहले हम किसके ऊपर करते हैं, बायोस, बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। Another name of a junk email। जंक ईमेल क्या क्या मतलब होता है, स्पैम ईमेल होती हैं जो आपके स्पैम पोर्शन के अंदर आई होती हैं। चूज़ द फुल फॉर्म ऑफ आ ईमेल। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो क्या हो जाएगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक मेल। आफ्टर प्रोसेसिंग इनपुट कंप्यूटर गिव्स अस सम यूज़फुल इंफॉर्मेशन। जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कोई इनपुट देते हैं तो वो उस चीज़ को प्रोसेस करने के बाद हमें क्या प्रोवाइड करता है, आउटपुट उस चीज़ की। विच फाइल स्टार्ट एम एस वर्ड। तो कौन सी फाइल है जो एम एस वर्ड को स्टार्ट करते हैं, ये विंडो वर्ड एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, अ फीचर ऑफ अ एम एस ऑफिस डैट सेव्स द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन इंटरवल इज कॉल्ड। तो ये हर 10 मिनट के बाद चीज़ों को, फाइल्स को ऑटोमेटिकली सेव कर रहा होता है, तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है, ऑटो सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, What was the HTML editor that was part of a Microsoft Office until 2003। तो ये क्या फ्रंट पेज क्या था, उसका स्टिल पार्ट था HTML का। 32 है, which feature is used to make a selected sentence all capital letter and all small letter। तो इसको क्या कहते हैं, हम चेंज केस करते हैं, जो जितने भी all capital letter होते हैं या small letter होते हैं उनको चेंज किया जाता है जिस फीचर के ज़रिए। 33 है हमारे पास, which of these software application was not पार्ट ऑफ द फर्स्ट वर्जन ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन था जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहले हिस्सा नहीं था, वो क्या था, आउटलुक। आउटलुक वाज नॉट अ पार्ट ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, विच फाइल आर कंटेंट रेडीमेड स्टाइल डेट कैन यूज टू बी अ फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट। तो वो कौन सी फाइल है जो रेडीमेड हमारे पास मौजूद होती है, जब भी हमने कोई प्रेजेंटेशन, कोई वर्क करना होता है तो उसको क्या कहा जाता है, टेम्पलेट। नेक्स्ट है हमारे पास, टू गो टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट वी यूज़। तो जब भी हम आप गूगल वगैरह के ऊपर कोई वेबसाइट होती है जिसको हम रिपीटेडली विजिट करते हैं तो उसको हम इस तरह स्टार का एक ऑप्शन होता है बार के अंदर, उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो क्या हो जाता है, बुक मार्क हो जाता है। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो दोबारा वहाँ से ये ईजीली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट एंड स्ट्राइक थ्रू आर द इफेक्ट ऑफ अ फॉन्ट, के ये इफेक्ट हैं। Name the application under the MS Office software bundle which we use to make an ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। तो हम ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के लिए जो भी हम प्रेजेंटेशन के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो कौन सा है? पावरपॉइंट। पावरपॉइंट के अंदर आप अपनी ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं, वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारा किस में आपको अलाउ होता है? एमएस पावरपॉइंट आपको इस चीज़ के ऊपर एक्सेस देता है। नेक्स्ट है 33 हमारे पास, विच वन इज़ द स्प्रेडशीट एप्लीकेशन डैट कम्स विद द एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप। तो ये कौन सी एप्लीकेशन है जो हमारे पास ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ आती है? तो ये है हमारे पास एमएस एक्सेल। नेम द डेस्कटॉप डेटाबेस एप्लीकेशन डैट इज़ अ पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस सूट। तो ये क्या है? एमएस एक्सेस जो है एमएस ऑफिस सूट का पार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, नेम द वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन डैट कम्स विद एमएस ऑफिस। तो एमएस वर्ड जो है एमएस ऑफिस के अंदर आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलता है। वी कैन अप्लाई बॉर्डर टू, हम सेल के ऊपर भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, पैराग्राफ के ऊपर भी और टेबल के ऊपर भी। इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। बाय डिफ़ॉल्ट जो फूटर और प्रिंटेड होना, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फूटर होता है वो ऑल पेजेस के ऊपर प्रिंटेड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये आ रहा है, ये क्या है? इस पेज का फूटर है। हर पेज के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रिंटेड आ रहा होता है, जैसे कि ये है। नेक्स्ट है हमारे पास द ऑप्शन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप कम अंडर। तो ये पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ये जितने भी हैं ये पेज ओरिएंटेशन के अंडर आते हैं। गटर मार्जिन इज़ यूज्ड इन एट द साइड स्पेस टू द लेफ़्ट। तो ये लेफ़्ट साइड के ऊपर क्या होता है? गटर मार्जिन होता है। जब भी आप कोई फाइल वगैरह ओपन करेंगे तो यहाँ पे छोटी 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 लाइनें होती हैं, तो वो गटर मार्जिन का ऑप्शन होता है आपकी पेज के ऊपर। ये एमएस वर्ड ऑफिस ओपन करेंगे तो उसमें आपको ईजिली इसकी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास गटर मार्जिन कैन बी सेट टू। तो गटर मार्जिन किसके ऊपर किया जाता है? हमेशा लेफ़्ट साइड के टॉप के ऊपर से, जैसे कि इधर मैंने आपको बताया अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट काइंड ऑफ गट पेज मार्जिन। तो पेज का मार्जिन जो होता है या तो वो राइट होता है, लेफ़्ट होता है, सेंटर होता है, लेकिन जो गटर होता है ये पेज का मार्जिन नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन इंसर्ट हेडर एंड फूटर। तो हेडर एंड फूटर ऑब्वियसली आप इंसर्ट मेन्यू से इंटर कर सकते हैं। टू गेट टू द सिंबल डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन डैश मेन्यू टू चूज सिंबल। तो इंसर्ट मेन्यू जो है उसके अंदर ये जितने भी हैं ये हेडर फूटर के रिलेटेड सिंबल्स हैं, ये सारे आपको इंसर्ट मेन्यू में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन फ्रॉम विच क्लिप बोर्ड इज़ यूज टू मूव डाटा फ्राम वन प्लेस टू अनदर। तो वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम एक जगह से कॉपी करके डाटा दूसरी जगह के ऊपर मूव करते हैं और जब पास्ट वाली जगह के ऊपर जो रिमूव हो जाता है तो उसमें हम क्या करेंगे? कट एंड पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इज़ अ ऑप्शन इन ना फ़ॉन्ट ग्रुप। स्ट्राइक थ्रू इज़ एन ऑप्शन इन ना फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर होता है। ये स्ट्राइक थ्रू क्या है? ये हमारे पास एक फ़ॉन्ट का ऑप्शन है। नेम द बटन इन द पिक्चर। तो वो कौन सा होता है? हाईलाइटर टूल होता है। शॉर्टकट फॉर डॉक्यूमेंट व्यू टूल बार इज सेचुएटेड इन ना स्टेटस बार के अंदर मौजूद होता है। बुलेट्स एंड नंबरिंग इज़ इन डैश टैब। तो ये किस में होती है? बुलेट्स देना, चीज़ों को नंबरिंग देना, ये होम टैब के ऊपर अवेलेबल होती है। टू ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन द डैश एंड देन सेलेक्ट ओपन। तो ये ऑप्शन किस में अवेलेबल होता है आपके पास? एम एस ऑफिस बटन के अंदर। 55 है हमारे पास कट कॉपी एंड पेस्ट इज़ अ डैश ग्रुप एंड होम टैब। तो ये क्लिप बोर्ड के ऊपर ये ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। 56 है हमारे पास इज़ यूज टू कन्वर्ट फ्राम अपर केस टू लोअर केस एंड वाइस वर्सा। तो ये टॉगल कीज जो होता है ये उसमें ये चीज़ यूज़ होती है। विच मेन्यू विल वी यूज़ इफ़ वी वांट टू चेंज टाइप फेस ऑफ अ सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर्मेट को यूज़ करेंगे जिसमें हम टाइप जो है टाइप फेस को चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट के। 58 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्राफिक सोल्यूशन ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर। तो क्लिप पार्ट जो है ये ग्राफिक सोल्यूशन होता है किसी भी वर्ड प्रोसेस का। अ करेक्टर डैट इज़ रेज्ड एंड स्मॉलर अबाव द बेस लाइन इज़ नाउन एज अ। तो जो छोटी चीज़ से थोड़ा सा बड़ा करके दिया होता है, लाइक ये लाइन है तो इसमें ये नीचे जो ऑप्शन है ये बड़ा करके दिए हुए हैं, तो ये किसके थ्रू दिए जाते हैं? सुपर स्क्रिप्ट के ज़रिए। विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट वैलिड वर्जन ऑफ एम एस ऑफिस। तो ऑफिस विस्टा जो है ये अभी वैलिड वर्जन नहीं है इसका। नेक्स्ट है हमारे पास अ फीचर ऑफ एम एस वर्ड डैट सेव द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन इंटरवल। तो ये क्या हम लास्ट टाइम भी हमने ये डिस्कस किया, तो सेव टैब ऑप्शन के अंदर डायलॉग बॉक्स के अंदर ये मौजूद होता है जो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट को हर 10 सेकेंड के बाद सेव करा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अवेलेबल ऑन अ रूलर ऑफ MS वर्ड, तो ये क्या होता है सेंटर इंडेंट जो है ये अवेलेबल नहीं होता। बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट अप्लाइड ऑन अ डॉक्यूमेंट इज़ नॉट विजिबल टू प्रिंट प्रीव्यू, तो ये बैकग्राउंड कलर जो होते हैं इफेक्ट जो होते हैं अगर आपने इसके ऊपर बैक साइड के ऊपर लगाए होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये पेज बिफोर प्रिंट होने से पहले इसकी बैक साइड पिंक थी, वाइट थी, येलो थी, जो भी थी, लेकिन वो इस पेपर के ऊपर अभी नहीं आई, तो ये प्रिंट प्रीव्यू के अंदर आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ द पोर्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन विच वी सेट सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग, तो ये सेक्शन के थ्रू आ जाएगा। बॉर्डर कैन बी अप्लाइड, जो बॉर्डर होता है MS ऑफिस के अंदर ये सेल के ऊपर भी किया जा सकता है, पैराग्राफ के ऊपर, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ अ पेज मार्जिन, तो पेज मार्जिन की कौन सी टाइप नहीं है, लेफ़्ट भी है, राइट भी है, सेंटर भी है, आई थिंक सो इसकी टॉप जो है नहीं होगी। विच इज़ द डिफ़ॉल्ट मार्जिन MF वर्ड, तो ये 1.25, ये PPSC के पेपर के अंदर भी आया हुआ था ये सवाल। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ वी नीड टू चेंज द टाइप फेस फॉर डॉक्यूमेंट विच फॉर्मेट, वो हम किस में चूज़ करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फ़ॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, सुपरस्क्रिप्ट जो है ये टाइप फेस है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है। वेयर कैन यू चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में आप चेंज कर सकते हैं। ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिज़ाइन टू रिप्लेस डैश वर्ड्स एट अ टाइम, तो मिस स्पेल्ड जो होता है ये ऑटो करेक्ट जो है इसको करेक्ट करा होता है। इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज़ नाउन एज अ डाटा सोर्स, द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड परसेंटेज इन अ जूम एक्सेल, तो वैलिड जूम में क्या होती है 500 तक तो नहीं होती, लेकिन आप इसमें 400 तक जूम कर सकते हैं, 400 तक वैलिड है एंड 500 इज़ अ अनवैलिड जूम परसेंटेज। एडिटर टूल्स इज MS वर्ड इज़ यूज फॉर, तो ये किसके लिए यूज़ होगा, ग्रामर ऑप्शन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ द शॉर्टकट की टू ऑप्शन द डायलॉग बॉक्स, तो कंट्रोल F12 है जो डायलॉग बॉक्स को ओपन करेगा। F8 की को अगर आप 3 टाइम सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, एक सेंटेंस को सिलेक्ट करेगा। टू डिलीट द सिलेक्टेड टेक्स्ट, तो हम क्या दबाएंगे, डिलीट दबाएंगे, तो जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया होगा वो डेल हो जाएगा। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सर्च द स्पेलिंग, तो स्पेलिंग मिस्टेक के लिए हम F7 यूज़ करते हैं, F1 हम यूज़ करेंगे हेल्प के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द रेंज ऑफ फ़ॉन्ट साइज़ अवेलेबल है, फ़ॉन्ट साइज़ तो 8 से लेकर 72 तक जो है ये अवेलेबल होती है फ़ॉन्ट साइज़ की। व्हाट शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल, तो Alt Ctrl C से हम कॉपीराइट सिंबल को जनरेट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन डायलॉग बॉक्स, तो ये हम क्या दबाएंगे, Alt F12 को। विच की कम्बिनेशन यूज इन टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक, तो क्या आ जाएगा, शिफ्ट इंटर क्लिक करेंगे हम। विच शॉर्टकट मेक सेलेक्टेड आइटम अटैलिक, कंट्रोल S से अटैलिक, I से अटैलिक हो जाएगा। विच की कम्बिनेशन यूज टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक, कंट्रोल इंटर से। विच शॉर्टकट इज़ यूज टू सेलेक्ट अ इंटायर टेक्स्ट, कंट्रोल A से। विच शॉर्टकट न्यू डॉक्यूमेंट के लिए हम कंट्रोल N दबाएंगे, ठीक है, ये करेक्ट नहीं है। विच नेक्स्ट है वी हैव कॉपीड एन इमेज फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट, नाउ वी कैन विच शॉर्टकट की, तो हम कंट्रोल V से हम क्या करेंगे, इस वहाँ से पेस्ट करेंगे। विच वन शॉर्टकट की यूज़ टू हाईलाइट, कंट्रोल B बोल्ड के लिए यूज़ होगा, कंट्रोल C कॉपी के लिए, X किसके लिए यूज़ होगा, कट के लिए। विच शॉर्टकट की यूज़ टू कंट्रोल एंड डॉक्यूमेंट के लिए, विच शॉर्टकट किसी चीज़ को ओपन करना हो तो हम कंट्रोल O दबाएंगे। विच की शॉर्टकट ओपन टू फाइंड बॉक्स ऑप्शन, कंट्रोल F। विच शॉर्टकट की यूज़ टू इंसर्ट अ लिंक, कंट्रोल K। कंट्रोल U से हम अंडरलाइन करेंगे, V से हम पेस्ट करेंगे, X से हम रीडू करेंगे, Y से क्या करेंगे, हम अनडू करेंगे। तो ये जितने भी हैं ये सारे उसी के रिलेटेड हैं। कंट्रोल Z आ गया अनडू के लिए, G आ जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, और J किसके लिए आ जाएगा, जस्टिफाई के लिए। तो ये प्रॉपर जो है की के रिलेटेड है, हमने एक वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है। उम्मीद करता हूँ फर्दर आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप इनके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, उसे दोबारा जितनी बार आप याद करेंगे, गो थ्रू करेंगे, तो ये सारा आपको रिवाइज़ होता जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी एक बार देख लीजिएगा। Until next time, I wish you best of luck. Allah Hafiz.